हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संजय जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्रद्धा श्री जेम्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई जेमस्टोन से रिलेटेड वीडियो लाया हूं, लेकिन जेमस्टोन लाइव दिखाने वाली वीडियो नहीं है। आज की बिल्कुल हटके वीडियो है, काफी लंबा वीडियो है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक नेचुरल जेम्स पे बनाया मैंने कि एक अगर अच्छा नेचुरल स्टोन अगर आपको सही समय पे मिल जाए तो वो आपका भाग्य बदल सकता है, आपकी पूरी किस्मत, पूरी जिंदगी बदल सकता है। बशर्ते मिलना आपको नेचुरल और अच्छा स्टोन चाहिए और सही टाइम पे मिलना चाहिए। आपने कई बार कई किस्से सुने होंगे कि उस अभिनेता ने ये स्टोन पहना तो उसकी किस्मत बदल गई, उस नेता ने ये स्टोन पहना तो उसकी किस्मत बदल गई, वो कहां से कहां पहुंच गया। आपके रिलेशन में भी कई लोग होंगे जिन्होंने कई बार आपने उनके फिंगर में देखा होगा स्टोन पहन रखा है, गले में पेंडेंट पहन रखा है और उसको पहनने के बाद वो काफी बुलंदियों पे पहुंच गया है। तो ये स्टोन का कमाल था या उनकी खुद की मेहनत थी, ये तो कैसे पता चले। बाकी कई हद तक इसके अंदर स्टोन का भी कमाल होता है, कुछ उनकी किस्मत भी होती है, कुछ मेहनत भी होती है। तो इसी टॉपिक पे आज अपन पूरी बात करने वाले हैं। काफी लंबा वीडियो, एंड तक बने रहे तो पूरी डिटेल से आपको समझाऊंगा कि कैसे स्टोन वर्क करते हैं और क्या इनके यूज है, कैसे आपको पहनना है और क्या क्या इसके अंदर कंडीशंस आती है। वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे भी हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे तो उसकी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ा जो जेमस्टोन्स के लिए क्वेश्चन होता है वो कई लोगों को होता है कि स्टोन क्या वर्क करते हैं। तो मेरा आंसर है कि स्टोन 100% वर्क करते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि वर्क करता है कि नहीं करता है? तो इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये है कि अगर स्टोन नहीं वर्क करते तो पहले के जमाने में राजा महाराजा हो गए या बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, आज भी, या बड़े बड़े नेता हो गए, तो वो स्टोन, इतना उनके पास में पैसा है, उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो क्यों स्टोन पहनेंगे? लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि हमें और तरक्की मिले, और कामयाबी मिले जीवन में, तो सब चाहते हैं कि स्टोन पहनते हैं। अगर आपने पुराने जमाने में देखा हो या आज भी हमारे पास ऑर्डर आते हैं आउट ऑफ कंट्री से, तो वो भी आज की डेट में बाइंग करते हैं इन चीजों को। तो वो भी काफी पढ़े लिखे हैं, काफी डीपली नॉलेज रखते हैं, तो वो भी इनको पहनते हैं। तो पुराने जमाने में अगर आपने नाम सुना हो कि राजा, बड़े बड़े आपने मुकुट देखे होंगे राजा महाराजाओं के, जो आज की डेट में कई जगह रखे होते हैं एग्जीबिशन वगैरह में, तो बड़े बड़े हीरे लगे होते हैं उनके मुकुट पे, बड़े बड़े जेम स्टोन्स रियल वाले लगे होते हैं उनके मुकुट पे। आपने नाम सुना होगा जो महारानी रानी थी एलिजाबेथ, उसने भी अपने मुकुट पे काफी बड़ा हीरा जड़वाया था कोहिनूर का। तो दोस्तों, ये वर्क तो 100% करते हैं। अब पता कैसे चले कि कैसे वर्क करेगा, कब करेगा, तो इसके लिए आपको कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो वही आपको इसका तोड़ बता सकता है कि कब पहनना है, कौन सा स्टोन पहनना है, तो बेनिफिट वही देगा आपको। मैंने आपको अपने पहले एक वीडियो में एग्जाम्पल भी दिया था इस चीज के लिए, काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि मान लो आपका फॉर एग्जाम्पल पेट में दर्द है, अगर आपने कोई स्टोन अपनी मर्जी से पहन लिया, फॉर एग्जाम्पल पेट में दर्द है, आप गए मेडिकल पे, आपने उनसे जाके कोई भी दवाई ले ली, अब या फिर अपने घर में आपने दवाई रखी थी, आपने उठा के वो दवाई खा ली, अब पता नहीं कि पेट में प्रॉब्लम क्या थी, गैस थी, एसिडिटी थी, क्या थी, आपने दवाई खा ली, अब वो प्रॉपर ठीक होगा या नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा? अगर आपने वो बीमारी अपने डॉक्टर को दिखाई होती, वो आपको उसका प्रॉपर वे, जो टेबलेट थी वो लिखता, आप वो लेते, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होती। ऐसे ही मान लो आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप अपने एस्ट्रोलॉजर से या पंडित जी से कॉन्टेक्ट करो, वो आपको जो प्रॉब्लम होगी उसका बिल्कुल तरीके से बताएंगे कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। तो वो चीज आप बाय करें और वो पढ़ने तो 100% वर्क करेगी, पर चलना आपको बिल्कुल इक्वल पड़ेगा, जैसे जैसे प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा आपको जरूरत किस चीज की, आप पहन क्या रहे हो, तो वर्क कहां से करेंगे स्टोन्स। तो उस केस में इनको नहीं पहनना, पहनना बराबर है, मतलब ना पहनो इससे बढ़िया तो पैसा लगाना, पहनना कोई लॉजिक वाली बात नहीं बनेगी। दोस्तों, स्टोन ही वर्क क्यों करते हैं, कोई और चीज वर्क क्यों नहीं करती, दूसरा लोगों का कंफ्यूजन ये भी बहुत बड़ा है। तो स्टोन का जो वर्क करने का लॉजिक है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि हमारे जो ब्रह्मांड में है या जो पृथ्वी पे अवेलेबल है, वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी जो बनी है वो पांच तत्वों को मिला के बनी है। अगर आपने न्यूज वगैरह में या टीवी में कई बार चैनल देखे होंगे, एक शक्तिमान धारावाहिक भी आता था पुराने जमाने में, काफी टाइम पहले 90 के दशक में आता था शायद, 1992 में, तो
तो उसमें भी बताते थे कि जो शक्तिमान धारावाहिक में है वो हमारी बॉडी जो बनी है पांच तत्वों से बनी है, जिसमें जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी पांच तत्वों को मिला के हमारी बॉडी बनी हुई है अंदर से, मतलब जो तत्व मिलते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि शक्तिमान को तत्व अवर लिमिट कैपेसिटी में मिलते हैं तो शक्तिमान बन जाता है। तो अगर मान लो हमारी बॉडी में किसी तत्व की कमजोरी है तो वो पूरी करेगी। अब वो करेगी कौन? इसके अलावा दो ऑप्शन है, पहला इंसानों के अंदर पांच तत्व पाए जाते हैं, दूसरा जानवरों में पांच तत्व पाए जाते हैं, और तीसरा जो है वो है जेम स्टोन्स। इन जेम स्टोन्स में भी पांच तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं। अब दो ऑप्शन है, मान लो हमारी बॉडी में किसी एक तत्व की कमी है, जल की कमी है या वायु की कमी है एग्जाम्पल, तो उसके लिए या तो किसी जानवर को यूज करो। अब जानवर को कोई गले में तो टांग नहीं सकता पूरे दिन, या तो कोई बिल्ली को पूरे दिन अपने पास रखे या गले में सांप को टांग के चले, तो ये पॉसिबल तो है नहीं। ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन गाय के पास बैठे रहें। तो इसका दूसरा सॉल्यूशन है जेम स्टोन्स। अब वो जो जेम स्टोन्स हैं उनके अंदर होते हैं पांच तत्व। अब मान लो हर स्टोन्स में अलग अलग होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारी बॉडी में जल तत्व कम है, तो कई स्टोन्स हैं जो जल तत्व की पूर्ति को पूरा करते हैं, तो वो जेम स्टोन्स हमें पहनना है। अब पहनना कब है ये बात तो वही पंडित जी कंसल्ट करके बताएंगे या एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट करेंगे आप, तो वो बताएंगे कि कौन से पक्ष में किस टाइम पे, और कई महादशा के हिसाब से भी डिपेंड करती है चीजें। हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जो भी आप पहनो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके पहनो तो आपको सही गाइड करेंगे। अमिताभ बच्चन जी उन्होंने भी नीलम पहना हुआ है, पहले तो एक पहना था जब उनका प्रॉब्लम आई थी, बाद में उन्होंने दूसरा पहन लिया तो काफी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आज उनके घर में अभिषेक बच्चन जी ने भी पहना हुआ है और ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी नीलम पहना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वर्क किया होगा या कोई ना कोई प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हुई होगी तभी पहने होंगे उन्होंने। और कई एक्ट्रेस देखते होंगे आप, न्यूज मूवी आती है उनके अंदर देखो, तो कई मूवी में किसी न किसी एक्टर के हाथ में आपको कोई ना कोई स्टोन जरूर मिलेगा। अब यही बात है कि उनके पास अच्छा पैसा है तो वो अच्छी चीज खरीद लेते हैं। अब इनके अंदर भी डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का आप रत्न खरीद रहे हैं। कोशिश करो, थोड़ा पैसा लगता है, थोड़ा महंगा होता है आइटम, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन थोड़ा अगर अच्छा खरीदेंगे तो उसका बेनिफिट होता है। इसमें मान लो फॉर एग्जाम्पल इंक्लूजन पे डिपेंड होती है कि इंटरनली जितना फ्लॉलेस होगा, जितना क्लीन होगा, जितना कलर अच्छा होगा, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेंगे, हल्का भी वर्क करता है, लेकिन अगर थोड़ा अच्छा लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि उसकी जो ग्रेविटी होती है काफी अच्छी हो जाती है, जो पावर होती है एक जो रेजेस मिलती है वो अट्रैक्ट करने की ज्यादा कैपेसिटी हो जाती है उस पत्थर के अंदर। तो थोड़ा उस पर डिपेंड करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अगर अगर वर्क नहीं कर रहे होते तो कौन इनको पहन रहा होता? मैं अगर मेरा लाइव एग्जाम्पल देखा हुआ है, आज से करीबन मैं बात करूं 2015 के आसपास एक क्लाइंट मेरे पास आए थे, तकरीबन मेरा ऑफिस उस टाइम लक्ष्मीनगर में हुआ करता था, तो उस टाइम आए थे, उनको एक नीलम की जरूरत थी, उन्होंने मेरे से नीलम लिया था, और उस टाइम जब नीलम लिया था उन्होंने मेरे से बातों बातों में कहा था कि यार मेरे को भी इस लोकेशन में कहीं अगर ऑफिस है तो मेरे को चाहिए। वो उस टाइम पे लोकेशन सर्च कर रहे थे, उनका मे बी लॉजिस्टिक का काम था, तो लॉजिस्टिक के लिए उन्होंने अपने लिए ऑफिस देखना था, तो ऑफिस देख रहे थे वो, मेरे को भी उन्होंने बोला था कि कोई ऑफिस हो तो नजर में बताना, तो उस टाइम मैं भी भूल गया, और कई बार उनके स्टेटस वगैरह देखता हूँ तो उस टाइम वो सर्च कर रहे थे। आज 10 साल बाद 15 साल बाद उनकी तीन तीन चार चार ब्रांचें दिल्ली के अंदर है, मे बी 50 से ज्यादा उनके पास स्टाफ है, और जहां तक मेरे को पता है उनके पास तीन से चार अच्छी अच्छी गाड़ियां, मतलब काफी उन्होंने ग्रोथ की है। अभी बीच में काफी टाइम पहले बात हुई थी, करीबन एक आध साल पहले, तो उन्होंने बोला था कि यार नीलम ने अच्छा काम किया, मेरे को कोई और नीलम भी चाहिए। मैं उनका नाम हालांकि डिस्क्लोज करना ठीक रहेगा नहीं, क्योंकि वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी शायद कनेक्टेड है, तो गलत हो जाएगा नाम बताना किसी का, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, काफी वर्क करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टोन 100% वर्क करते हैं, लेकिन देखो स्टोन पहनना ही सब कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टोन पहन लिया तो स्टोन ही आपका सारा काम करेगा, कि आप मैंने रूबी पहन लिया, मैंने नीलम पहन लिया कि मैं घर बैठा रहूं मेरा काम होता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। स्टोन पहनने के साथ में मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, जब तक आप लगन से काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, स्टोन आपका वर्क नहीं करेगा। स्टोन का मतलब होता है कि स्टोन आपने पहना है वो वर्क करेगा, लेकिन उसके लिए आपको जो आप काम कर रहे थे वो प्रॉपर करना पड़ेगा, मेहनत उसके लिए पूरी करनी पड़ेगी आपको। अगर उस जमाने में जब अमिताभ बच्चन ने मेहनत नहीं की होती, नीलम पहन लिया जी मैंने तो अपने आप मूवी बनती रहेगी मेरी, ऑटोमेटिक मेरा पैसा आता रहेगा, तो कहां से पॉसिबल था? उन्होंने नीलम पहना लेकिन उसके साथ उन्होंने मेहनत भी कई गुना की, तो आज वो कहीं कहां से कहां, ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है।
महानायक के नाम से जाने जाते हैं। तो स्टोन का वर्क जो होता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल होता कैसे है कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आप 100 सीढ़ी है, आपने 90 सीढ़ी चढ़ ली, उसके बाद आप थक चुके हैं, आप नहीं चढ़ पा रहे ऊपर, तो वो आपको पुश करेगा थोड़ा सा कि जो आप में कैपेसिटी खत्म कम हो गई, वो आपको पुश करके ऊपर तक ले जाएगा। तो इसका टाइमिंग है पढ़ने का, कभी जैसे मान लो आप डाउनफॉल आ रहे हो, आप नीचे गिर रहे हो, तो उस टाइम किसी पंडित जी से कांटेक्ट करो, हो सकता है गिरते हुए टाइम पे आप पढ़ो तो वो वर्क ना करे, लेकिन जब आप ऊपर साइड जा रहे हो, जैसे आपकी नॉर्मल जिंदगी कट रही है, आप हर प्रकार से खुश हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैवाहिक जीवन भी आपका खुश है, पैसों की भी कमी नहीं है, रहना भी अच्छा मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम पढ़ो तो हो सकता है आपको और अच्छी ग्रोथ मिलेगी, आपके पास और अच्छा पैसा आएगा और कामयाबी मिलेगी, तो उस टाइम पे ज्यादा पढ़ो तो ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हम नहीं कहते कि उस टाइम पढ़ो, लेकिन जब भी पढ़ो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे पंडित जी से, या अपनी कुंडली सही से दिखा के किसी को भी, अगर आपको नॉलेज है तो आप अच्छे से देख के पढ़ो तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेंगे इन चीजों के। बाकी जेमस्टोन्स वर्क 100% करते हैं, बशर्ते जेमस्टोन्स होना नेचुरल चाहिए, अनहीटेड अनट्रीटेड होना चाहिए, तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो मार्केट में कई प्रकार के स्टोन्स अवेलेबल है, तो ऐसे नहीं है कि एक पीला स्टोन उठा लिया पुखराज हो गया, नीला उठा लिया नीलम हो गया, तो ऐसे नहीं होता, उसकी पूरी जांचिए परखिए, पता कीजिए कि स्टोन नेचुरल है नहीं है, जेन्युइन है नहीं है, आपने पैसा लगाया आपका पूरा पैसा भी बेकार गया, आप उसको फिंगर में डाल के भी घूम रहे हैं, फायदा भी कुछ नहीं मिल रहा, तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो उससे बढ़िया जब भी लें अच्छे से पता करके लें, जहां से भी लें आपके कॉन्टेक्ट में पहले खंगालिए कि कहां पे अच्छी चीज मिलेगी, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। दोस्तों एक लोगों में एक ये भी कंफ्यूजन है कि क्या हम जेमस्टोन्स पढ़ने तो वो नेगेटिव इफेक्ट करता है, तो दोस्तों कुछ जेमस्टोन्स है जो कि उनका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टोन पहन लिया किसी से बिना पूछे, तो उसका अगर आपकी बॉडी में यूज नहीं है तो हो सकता है वो नेगेटिव इफेक्ट भी करेगा। तो जब भी आप पहने इसको पूछ के पहने तो वो चीज आपकी वैसे ही सोल्व हो जाएगी, बिना पूछे पहनने का लॉजिक बनता नहीं है। कुछ स्टोन्स हैं जिनका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, जैसे पन्ना हो गया, ओपल हो गया, पर्ल हो गया, तो इनके कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ स्टोन होते हैं जैसे नीलम है, राहु का गोमेद है, कैट्साई है, डायमंड है, तो इनमें कुछ स्टोन के नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, तो ये बिना पूछे नहीं पहनने, आपको पूछ के पहनो तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। एक लोगों में कंफ्यूजन है कि हम बड़ा स्टोन पहन सकते हैं, तो बड़ा स्टोन अगर पहन लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मान लो आपकी बॉडी 50 केजी या 60 केजी या 80 केजी की है, आपको 6-7 रत्ती 8 रत्ती का इनफ स्टोन पहनने के लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं बड़ा पहनूं मेरी फिंगर में और अच्छा लगे, 10 रत्ती 12 रत्ती 15 रत्ती का पहनूं, तो आप पहन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा बड़ा स्टोन पहनने का। जितना स्टोन बड़ा होगा उतनी वो ज्यादा ग्रेविटी ऑब्जर्व करेगा, जितनी उतनी ही ज्यादा रेजिस्ट करेगा, तो उसमें आपको नेगेटिव के कोई चांस नहीं है, प्लस पॉइंट मिले ना मिले लेकिन नेगेटिव कुछ नहीं होगा, आप बड़ा स्टोन हमारी तरफ से पहन सकते हैं। बाकी स्टोन्स पहनना हमारे तरीके से अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो हम मना नहीं करते। आज आप अभी भी देखो कहीं पे भी आपको देखने को मिलेंगे, कई बड़े बड़े लोग पहनते हैं, तो अच्छी चीज है। आप हमारी तरफ से हम आपको बी फ्रेंक बोल रहे हैं, आप स्टोन्स पहनिए आपको कामयाबी मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कभी आपको स्टोन्स वगैरह में नीड हो किसी चीज की तो हमारे पास अवेलेबल भी होते हैं, जो हम बेचते हैं, हम अपने पूरे संतुष्टि के बाद में रिटेल क्लाइंट को स्टोन देते हैं, हर प्रकार से चेक करने के बाद में, कोई माइनस पॉइंट नहीं होने के बाद में। तो अगर आप हमसे भी कोऑर्डिनेट करेंगे तो स्टोन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, अनहीटेड अनट्रीटेड और नेचुरल स्टोन आपको मिलेंगे। तो कभी नीड हो तो हमें भी बता सकते हैं, बाकी स्क्रीन पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहें व्हाट्सएप पे तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा दिल्ली साउथ एक्स में भी ऑफिस है, आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी हमारे यहाँ से अवेलेबल है। अगर आप पार्सल चाहते हैं आपके घर पे तो वर्ल्ड वाइड शिपिंग हमारे यहाँ से अवेलेबल है, आपको इंटरनेशनल शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे और इंडिया में शिपिंग फ्री है। तो आपको नीड हो तो हमारे यहाँ से अवेलेबल है, आपको मिल भी जाएगा, रिंग पेंडेंट हम आपको बना के प्रोवाइड करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके दोस्तों थैंक यू सो मच, फिर एक नए वीडियो के साथ जल्दी आऊंगा मैं, थैंक यू सो मच।